इसमें पुनः हिंदू सवर्ण और ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, और वहां सवर्ण अपनी जाति नहीं छोड़ रहे, सवर्ण मानते ब्राह्मण अपनी जाति नहीं छोड़ रहे। अमेरिका आदि में पुनः ब्राह्मणवाद का, जबकि ब्राह्मण पूरी तरह से आज दरिद्रता की कगार में पहुंच चुके हैं। इसके बावजूद जो मैंने आपको ब्राह्मिक अकॉर्ड बताया है, उसकी पुष्टि इससे और होती है कि अब अमेरिका और ब्रिटेन में भारत के ब्राह्मणों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया गया है। यानी जो धर्म के अनुष्ठान है उस पे प्रहार, जो लोग अनुष्ठान को मेंटेन, मिडिल क्लास तो भूल ही गया है, वो तो सिर्फ आप देखिए अभी बीबीसी में भी ये खबर आई है ये कि भारत के सवर्ण क्या विदेशों में अपनी जाति नहीं छोड़ रहे। तो ये टारगेट, इस पर मैं और रिसर्च करके दूंगा अभी, लेकिन ये सब जगह हो रहा है, क्योंकि ये कॉर्ड जो है अब्राहम के कॉर्ड, वो बहुत तेजी में वो चाहते हैं हर तरह से। और भारत के में जो मूर्ति पूजक समूह है, अनुष्ठान हिंदू पूजा, उसको ब्राह्मण वर्ग जो अनुष्ठान में लीन रहा है आज, वो उसके कारण जो है वो इनको लगता है कि आज भी उसके कारण ही धर्म बचा हुआ है। क्योंकि वो पूजा पाठ में अगर हम ब्राह्मण को गायब कर दें और स्त्रियों को गायब कर दें, तो हिंदुओं के पूजा पाठ डायल्यूट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जबकि सच ये है कि ब्राह्मणों की स्थिति बहुत ही खराब है पूरे देश में। अगर आप उनकी आंकड़े लेकर देखेंगे तो आप देखेंगे कि उनकी स्थिति पूरे देश में बहुत ज्यादा खराब है। फिर आज मैंने सुलभ शौचालय पे जो पुस्तक लिखी है, टॉयलेट गुरु जो मैंने लिखा है, उस टॉयलेट गुरु को यदि आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सुलभ शौचालय के काम में, पैसा अठन्नी जोड़ने में ब्राह्मणों के बच्चे लगे हुए हैं, रिक्शा चलाने में ब्राह्मणों के बच्चे बड़ी संख्या में लगे हुए हैं। उसके बाद आपको बताऊं कि बेरोजगारी में सबसे बड़ा इनका जो है ये बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अब ब्राह्मण के बच्चे नौकरी तो उनको नहीं मिलता, क्योंकि अंबेडकर जी ने और संविधान ने तय कर दिया कि ये कितना ही रोड पर भीख भी मांगेगा तो भी इसको उठने का अधिकार नहीं है, वो कोई भी विशेष लाभ नहीं मिल सकता। भले जबकि हमारे शास्त्र में था कि आपको कर्म के हिसाब से उठना गिरना था, लेकिन संविधान ने जन्मगत जाति को तय कर दिया कि अब ये कितना भी ये रोड पे भूखे मर जाएंगे, लेकिन इनको कोई विशेष अधिकार नहीं मिल सकता है। भारत में इस समय अगर देखा जाए, एक साथी ने, गौरव गौर ने पूरा लिखा है कि ईसाई समुदाय की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 1600 रुपए के करीब है, SC ST जो है उनके 800 रुपए प्रति व्यक्ति आय है, मुसलमानों की आय 750 रुपए है, ब्राह्मणों का ये आंकड़ा सिर्फ 537 रुपए है। यानी जो ब्रिटेन ने मैकाले को, मैं पढ़ रहा हूँ मैथमुलर में, वो उस अभियान में, और अभी भी वो अमेरिका में चला रहे हैं अभियान, ये सोच कर देखिए कि अभी भी अमेरिका में चल रहा है वो जो है आपको। उसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जो पूरी तरह से ईसाइयत होते जा रहे हैं, वहां तो ब्राह्मण परिवार को 500-300 रुपए प्रति महीने पे जीवन यापन करना पड़ रहा, प्रति महीने पर जो है बेरोजगारी भुखमरी की स्थिति आ गई, क्योंकि पुरोहिताई छोड़ रहे हैं हिंदू समाज। हिंदू समाज जो उन्होंने सोचा था, पुरोहित को भगा रहे हैं, पुरोहित को ओ माई गॉड देख देख के गाली दे रहे हैं, सीधी सी बात है, और पंडित जी जल्दी शादी कराओ, 5 रुपए जेब में डाल देते हैं, वो स्थिति पैदा कर दिया उन्होंने। आपने अभी रणवीर और आलिया के विवाह देखे होंगे, जाम टकराते हुए विवाह हो रहे हैं। तो सारा कुछ आप ब्राह्मी के कोर्ट से हो रहा, ताकि आप जो ऋग्वेद के मंत्रों से आज भी आपके विवाह हो रहे हैं वो सब समाप्त हो जाए। और उसको मेंटेन कौन कर रहा है, वो मंत्र कौन आपको पढ़ा रहे हैं, वो समुदाय उसको रिक्शा चलाने और सुलभ शौचालय का पैसा इकट्ठा करने में धकेल दिया गया है। तो ये खेती भी उनसे छीन लिए गए हैं, उस समय वो खेती भी नहीं करते थे, कि वो पुरोहिताई पे थे न कि वो कृषक समुदाय में वो हैं, लेकिन अभी भी खेती में उनकी मजबूती नहीं है। नौकरी उनको नहीं दिया जा रहा, क्योंकि वो सवर्ण में आ गए तो नौकरी उनको नहीं मिल सकता, खेती में वो नहीं है, उनको रिक्शा आदि पर तो उनकी स्थिति। और फिर भी अमेरिका भी अभियान दिखा दो, तो फिर से बीबीसी का लोग कहेंगे, मैं यूं ही बरबरा रहा हूँ, अमेरिका ये अभियान चला रहा है वहां पर, भारत के सवर्ण का विदेश में भी अपने जाति नहीं छोड़ रहे। यानी आज, इसलिए आप ब्राह्मी के कोड में बहुत धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ। और उसके बाद जो है, आज मेरे पास भी एक आया था, ब्राह्मण की लड़कियों की विवाह नहीं हो रहे, क्योंकि दहेज प्रथा आ गया है उसमें, तो लड़कियों के लिए इतने गरीबी में सब जी रहे कि उनके विवाह तक नहीं हो रहे, स्थिति ये खराब हो गई है। और उसने कोट किया फ्रांसीसी पत्रकार फ्रांसिस गोतियार का, जबकि मैंने भी टॉयलेट गुरु में लिखा है कि दिल्ली के 50 सुलभ शौचालय में 325 सफाई कर्मचारी हैं, सब सफाई कर्मचारी ब्राह्मण हैं, जो कहा गया
कि इनको अछूत बनाते थे, ये बनाते थे अंबेडकर, इन सबके जो अंबेडकरवाद में, आज अछूत की स्थिति में ब्राह्मण को जो स्थिति पहुंचा दी गई है मैकालेवाद ने, और अब तो विदेश से भी अभियान चल रहा है, यानी अब्राह्मिक एकॉर्ड। और इसीलिए आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट अगर SC ST एक्ट में बदलाव देता है तो सरकार नहीं मानती है, OBC में बदलाव सुप्रीम कोर्ट देता है तो सरकार नहीं मानती है, या पूरी तरह से, और संविधान में उनको राइट भी नहीं मिलता है, और विदेश पूरा हमला करता है, तो चारों तरफ से आपके अनुष्ठानिक कर्म को टारगेट कर दिया गया है, और आपका अनुष्ठानिक कर्म जैसे जैसे हटेगा, आपकी मूर्तियां, आपके मंदिर छूटते जाएंगे, आपके नेता मंदिर मूर्ति तोड़ते जाएंगे, आप उनकी वाह वाह करते जाएंगे, और धीरे धीरे आप अब्राहमिक एकॉर्ड की थ्योरी, आपका दिमाग जो है उस तरफ जो है जाता रहेगा। और सबसे बड़ी बात बताएं कि दक्षिण भारत में 70% के आसपास खाना बनाने वाले सफाई कर्मचारी नौकर ब्राह्मण ही हैं। तो संविधान ने जो ब्राह्मणों के लिए व्यवस्था की कि तुम्हें जन्मगत ही रहना पड़ेगा, कोई सुविधा नहीं मिलेगी, जो मैकाले ने चाहा था, जो मैक्स मुलर ने चाहा, वही संविधान में बाबा साहब के नाम पे संविधान निर्माताओं ने डाला, वो अब फलीभूत होती दिख रही है। और आखिरी धक्का लगाने के लिए अमेरिका ब्रिटेन में अभियान चलाया जा रहा है, BBC ब्रिटेन का अमेरिका का अभियान, तो ये बातें वहां चल रही है। आप लोग आनंद मना लीजिए, क्योंकि ब्राह्मणवाद की गाली तो कभी ना कभी हमने और आपने भी ब्राह्मणों को दिए ही हैं, तो हमें आनंद मनाना चाहिए कि हमारी गाली फलीभूत हो रही है।